हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ज़िले की जो बच्चियाँ हैं, किशोरी बालिकाएँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस देना सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने करियर गाइडेंस करियर के लिए, अपने आने वाले कल के लिए, अपने हेल्थ के बारे में, अपने परिवार के विकास के लिए। कहीं ना कहीं हमें एक ये लगा था कि बच्चियों को आगे बढ़ने में कुछ चीज़ें रुकावटें लाती हैं, जिनमें से सबसे बड़ी चीज़ थी स्ट्रीट्स पर ईव टीजिंग होना। वो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को, और बहुत जब वो इम्प्रेशनेबल एज में रहती हैं तो उनके मन स्थिति को बहुत अफेक्ट करता है। तो आज ये पंख कार्यक्रम का एक प्रथम प्रयास था इन बच्चियों को ये बताने का कि पूरा पूरा ज़िला प्रशासन लोगों के साथ है और पूरी कानून व्यवस्था को बनाए रखा जाएगा और किसी भी प्रकार से हम लोग ज़ीरो टॉलरेंस हमारा रहेगा, ज़ीरो इनटॉलरेंस रहेगा कि इस प्रकार की कोई घटनाएँ हों। इसके साथ साथ हमारा ये भी एक मकसद था कि बच्चियों को हम कॉन्फिडेंस दें कि वो इस प्रकार की कृत्यों के अगेंस्ट खड़ी हों और उसको रिपोर्ट करें और कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का भय ना हो। एक अनवरत इसकी सीरीज़ रहेंगी, हम लोग ज़िला स्तर से स्टार्ट किया है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी ये प्रयोग करेंगे। और इसके साथ साथ चूँकि आपने देखा होगा कि हमने पंख में लिखा है सेल्फ प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हाइजीन, तो इनफैक्ट ये सभी आयामों को एक साथ समेकित करता है और इन सभी बिंदुओं पर समय समय पर हम लोग कार्य करते हैं। ये पंख कार्यक्रम जो है बच्चियों में और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने के लिए और उनको कानून के प्रति जागरूक करने के लिए और अवेयरनेस के लिए और उनकी आत्मरक्षा के लिए जो साधन जुटाए गए हैं उनके बारे में बताने के लिए रखा गया था। महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए यहाँ पर हम ट्रेनिंग कैंप्स चलाएंगे जो खेल विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा, जिसमें सारी जो कॉलेजेस की और स्कूल्स की बच्चियाँ हैं उनको भी ये अपने आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। कलेक्टर मैडम ने जो भी बोला मुझे बहुत अच्छा लगा और उसके बारे में मैं यही बोलूंगी कि सबको खुद में कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और जो कॉन्फिडेंस मुझ में आया है वो बाकी सब में भी आना चाहिए। मैम ने यही बोला है कि उनके लेवल पे हर चीज़ चल रही है पर हमें कॉन्फिडेंस लाना है, तो जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा तब ये बिल्कुल 100% कारगर रहेगा। कि जो मैम पंख ऑर्गेनाइज कर रही है तो इसमें गर्ल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ये प्रोटेक्शन और ये इस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है पुलिस फोर्स की, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ हद तक कम हो जाएगा।